हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुष्मिता अमामी शेफ। आज बनाएंगे कुछ अनोखा सा एक डिश, जो बस अनोखा ही नहीं बहुत न्यूट्रिशियस भी है। और ये सीजन जाने से पहले तो बना ही लेना चाहिए, इसीलिए आप ये रेसिपी देखिए। झट से मटर लाइए और ये रेसिपी बनाइए। तो ये रेसिपी क्या है? ये रेसिपी है, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, मैं बनाऊंगी मटर और उसके छिलके को इस्तेमाल करके एक स्टर फ्राई बनाऊंगी। इसे क्लीन करके, वॉश करके, इसको कट करके, ब्लांच करके आप इससे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं। तो उन सारे व्यंजन में से मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है बहुत ही आसान सा स्टर फ्राई, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइमरीली जो जो इस्तेमाल करेंगे वो मैं बता देती हूँ, बाकी हम ग्रेजुअली जब करते रहेंगे वीडियो में तो मैं बताती जाऊँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इस रेसिपी में है मटर और उसका छिलका। तो मैंने एक बोल भर के मटर और छिलका रैंडमली ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके, कट करके, ब्लांच कर दिया है। उसके अलावा मैंने इसमें एक पटेटो लिया है, पटेटो को अच्छे से वॉश करके उसका भी मैंने छिलका नहीं निकाला, क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग विद छिलका, छिलके में बहुत फाइबर होता है इवन पटेटोज का, तो इसीलिए मैंने पटेटो का भी छिलका नहीं उतारा है। और बिना उतारे ही अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके मैंने उसके ऐसे पतले पतले लच्छे ग्रेट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये है एक पटेटो। उसके अलावा मैंने लिया है एक अनियन बारीक काट के, मैंने एक लहसुन लिया है बारीक काट के, और तीन फ्रेश ग्रीन मिर्च है उसको मैंने रफली ऐसे चॉप कर लिया है, और ये एक छोटा टमेटो है। तो बस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारा मटर और छिलके का स्टर फ्राई अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आप देख सकते हैं तो पैन ऑलरेडी चढ़ गई है स्टव पे, गर्म भी हो गई है ऑयल, और मैंने लिया है 20 ml ऑफ ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, आई विल पुट हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, जैसे ही ये क्यूमिन सीड्स चटक जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ गार्लिक, तो कर लेंगे थोड़ा सॉटे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ अनियन। बहुत ही आसान सा रेसिपी है ये। ओके, जैसे ये सॉटे हो रहा है तो मैं इसमें डाल दूंगी ये तीन हरी मिर्च रफली चॉप, अब मैं इसमें ये स्लाइस किया हुआ एक टमेटो डाल दूंगी। प्लेन सिंपल है ये, जैसे ही सॉटे हो रहा है इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। और मैं इसमें डालूंगी 1/4 teaspoon ऑफ हल्दी, इसको हम कर लेंगे मिक्स। ओके, इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी जो पटेटोज के लच्छे हैं उसको काट के मैंने वाटर में रखा था, सो दैट उसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा जो स्टार्च रह जाता है ऑल्दो हम वॉश करते हैं पर फिर काट के अगर पानी में रखें तो
एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है और पोटैटो फ्राई क्रिस्पी बनता है। इसको बिल्कुल भी ढक के नहीं पकाना है। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। फ्लेम मीडियम पर है। पोटैटो को मैंने ग्रेट कर दिया, ये बहुत जल्दी क्विक हो जाएगी। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी ये एक स्पून बेसन। इसको भी हम कर देंगे मैं। फ्लेम को मीडियम या हाई में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा बेसन भी मत डालिएगा, फिर बेसन बेसन लगने लगेगा। ओके, इस टाइम पे फ्लेम को सिम कर देंगे और इसमें मैं डाल दूंगी ये ब्लांच किया हुआ मटर एंड मटर का छिलका, और बहुत हल्के हाथों से हम इसको कर देंगे मैं। फ्लेम सिंपल है और इसको हम थोड़े देर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये ऑलरेडी कुक्ड है, बस थोड़े देर फ्राई हो जाए। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून जितना चाट मसाला। इसको कर देंगे मिक्स। अभी निकाल के देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट डन है। इस टाइम पे थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देंगे अजवाइन। हाथों से इसको कर देंगे मिक्स। बस ये अभी बन गई है, हम इसको सर्विंग डिश पे ले लेते हैं। देखा ना आपने, ये कितना आसान है और कितनी जल्दी बन गया। तो ज़रूर से ये रेसिपी अपने घर में भी ट्राई करिए, इससे पहले कि मटर का सीज़न चला जाए। ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे बताइए ये कैसा लगा आपको। इसे आप एक साइड डिश के तौर पे खा सकते हैं राइस के साथ। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गई है हमारी मटर के छिलके और मटर की एक स्टर फ्राई। बहुत ही इजी, आसान और यम्मी डिश है ये। एक साइड डिश बोल सकते हैं इसको आप, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है।
और जो लोगों को ये नहीं मालूम कि मटर के छिलके को भी बहुत ही अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन बना के खा सकते हैं, तो आप जानिए कि इसका भी बहुत यूटिलिटी है मटर के छिलके का। तो उसमें से बहुत सारे डिशेस में से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डिश बनाया है जो कि है मटर के छिलके और मटर एंड आलू का स्टर फ्राई। तो ये रेसिपी तो बहुत आसान है रिक्रिएट करने के लिए, तो इसको ज़रूर अपने घर में रिक्रिएट करिए बिफोर दिस सीज़न गोज़ ऑफ। तो बना के देखिए कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मुझे बताइए और मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर करिए। तो ऐसे ही आसान आसान घरेलू रेसिपीज़ के लिए आप किसे फॉलो करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे सुष्मिता द फूड लवर को, आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सुष्मिता मॉमी शेफ को, और खूब सारा सपोर्ट दें मुझे इस मम्मा को, बहुत सारा एनकरेजमेंट दें, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपको ज़रूर शुक्रिया बोलूँगी। तो इसी तरह से मैं आपके साथ अच्छे अच्छे आसान आसान डिशेस रेसिपीज शेयर करती रहूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए आज के लिए तो मैं अलविदा कहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।